सेक्शन। तो अच्छा टॉपिक है आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग होगा एंड वी विल टेक 3 डेक्स टैरो लॉन्ग मैसेजेस फॉर एंकर। लेट्स कनेक्ट द टैरो। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, लेट्स गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जिमिनी लिब्रा केस ये रिवर्सल में है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो सकता है आपका पर्सन से। लग तो रहा है मुझे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन आपका जो पर्सन है वो शायद थोड़े से गुस्सा है, थोड़े से खफा है। चीज़ें जैसे उन्होंने सोची थी वैसे प्लान आउट नहीं हो रही है। ये आई थिंक मेजर बात हो सकती है कि वो आज क्यों खफा है। ठीक है, अगर आपने उनको टाइम दिया था कब बात करेंगे, कब मुलाकात होगी, अगर वो नहीं हो पाई है तो ज़्यादा गुस्से में है। अगर आपने मिलने का वादा किया था, मिल नहीं पा रहे हैं या फिर कोई चीज़ भूल गए हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है वाई दिस पर्सन इज एंग्री। तो आपको मोस्टली इस पर्सन को शांत करने की ज़रूरत है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, शायद इस साइन का कोई पर्सन हो सकता है। ठीक, सेकेंड जो कार्ड है अगेन इट्स नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एयर साइन के बाद डायरेक्टली आ गया है फायर साइन, और ये है रिवर्स में। ये जो पर्सन है शायद अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यू नो, मैं भी शायद अगर आप ज़्यादा ढूंढोगे, ज़्यादा इनको पुश करोगे तो शायद बता दें कि भाई कौन सी ऐसी वजह है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्या वो यू नो आपसे खफा है या फिर उनको आपसे कुछ कहना है। व्हाट आर द रीज़न इज़, आप उनसे बात करके हल निकाल सकते हैं। फायर साइन है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, शायद बुखार बुखार हो सकता है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है उन्होंने, और वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। एंड ये है थ्री ऑफ सोर्स, ये स्ट्रेट आ गया है। अगेन दिस इज ऑल अबाउट द एयर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और ये रिवर्सल में है। तो पहले हमने देखा एयर साइन, फिर फायर साइन, फिर एयर साइन। देखो सिंपल मीनिंग है, ये जो पर्सन है वो शायद अपने अतीत से जूझ रहा है। ठीक है, अगर इसको किसी की याद आ रही है या फिर अगर कोई पर्सन है जैसे कि अभी श्राद्धकर्म चल रहा है, वो अगर कहीं ना कहीं चल रहा है, तो शायद इसकी भी एनर्जी यहाँ पे इसको महसूस हो रही है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स है, तो शायद किसी को बुलाने का गम है, किसी को छोड़ने का गम है, ये हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन चुका है, और अगर इस पर्सन को आपका साथ चाहिए तो आप ज़रूर इसको साथ दे सकते हो। लेकिन अगर चाहता है कि वो अकेला रहे तो आप अगर इसको अकेला छोड़ोगे तो इसके लिए काफ़ी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दो कार्ड आ गए यहाँ पे। एंड दैट इज द टू ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ कप्स, दोनों ही दो नंबर के आ चुके हैं। ये है वाटर साइन एंड ये है एयर साइन। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सिंपल सी मीनिंग है, ये पर्सन अभी फिलहाल के लिए अगर हम कहें तो शायद इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ठीक है, राइट नाउ अगर हम कहें तो शायद वो रिश्ते में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहता है। मतलब आप दोनों के बीच में कोई भी यू नो दीवार ना रहे। जो भी आपको लगता है, चाहे आपने किसी को डेट किया, आपके मन में जो भी सवाल है आप इनसे खुल के बोल सकते हैं। टू ऑफ कप्स है, और चाहते हैं इसके बाद ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर इनको लग रहा है कि भाई आप इनसे कोई चीज़ अगर छुपा रहे हो तो वो शायद ये बात आपसे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। एंड अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी लव मैसेजेस। ओके, सो लेट्स कनेक्ट द लव मैसेजेस, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, चलो मैंने करिए कार्ड शफल। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। यस, ये पर्सन आपसे इसलिए थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं कि शायद मे भी आप उनसे कुछ बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप इनसे सभी बातें क्लियर करो, जो भी आपका फ्यूचर का विजन है कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा डिसाइड करेंगे, आप दोनों मिलकर कहीं पे घर ले लेंगे, आपका अलग एक आशियाना होगा। वॉट एवर द थिंग इज, द पर्सन वॉन्टेड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग टू देम। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है I love you because you have taught me what love is all about. Yes, प्यार क्या है ये आपने इनको बता दिया है। यही एक बात है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद झूठ मूठ का दिखावा हो सकता है कि भाई आपसे रोड़ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप इनको मनाएं जाके, कहीं ना कहीं इनके दिल में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नो मैटर हाउ अदर सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। यस, बाकी के लोग इनको कैसे देखते हैं ये इनको परवाह नहीं, लेकिन आप इनको स्पेशल फील कराते हो, ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपना बिहेवियर बिल्कुल भी ना बदले, चाहे आपका दिन कैसा भी हो। व्हाट एवर द थिंग इज़, आपको इनसे बहुत ही प्यार से जैसे आप पहले से बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करना है, बिकॉज ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ठीक है निश्चिकार्य भाई, यू आर सिंपली इरेसिस्टिबल। जैसे ही आप इनसे मिलते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। यस, इनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या पाना चाहते हैं, क्या खोने का दर्द है, ये सब चीज़ों का एहसास आपको पहले से ही हो जाता है। दैट इज़ द थिंग विच मेक्स यू स्पेशल। एंड फाइनल देखते हैं दो कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस चलो, वाओ दिस कार्ड, जो पहला कार्ड आ रहा है वो है ये इट्स ऑल अबाउट कॉस्मिक फ्लावर। वाओ कॉस्मिक फ्लावर आ गया है। आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार में हो, और जैसे कि कॉस्मिक की एनर्जी होती है कि जैसे ही मतलब दो लोग मिलते हैं तो ये एनर्जी एनहांस होती है। आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू सेक्शुअली, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। इट कुड बी लव मेकिंग सेशंस एज वेल विच यू कैन एक्सपेक्ट। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्राउन चक्र। जैसे क्राउन चक्र होता है द टॉप मोस्ट चक्र। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। आई थिंक थॉट्स की एक्सचेंज और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अगर इनको थोड़ा सा निगलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ एनी बडी, लाइक बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, या फिर आपके कोई अदर इश्यूज, तो ये चाहता है कि आप इनको और ज़्यादा कनेक्ट करें। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।